अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू टीवी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो आपको मोबाइल में दो ऐसी टिप्स हैं जो बहुत ही कारामद है। आप उसको किस तरह करोगे, इसके लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये जो टिप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों करामद है, किस लिए करामद है, तो ये जो है इसके लिए आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टिप्स हैं, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि कभी ना कभी आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी है वो कम हो जाती है, ठीक है, और आप कुछ ज़रूरी काम करने जा रहे होते हो, तो इसके दौरान अगर आपकी जो इंटरनल मेमोरी है मोबाइल की, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी कार्ड की जो मेमोरी है, कार्ड में जो मेमोरी कार्ड है उसमें स्पेस कम हो जाती है, और आपको ज़रूरत हो कि आप किसी एप्लीकेशन को मोबाइल या मोबाइल से इंटरनल मेमोरी से मेमोरी कार्ड में या मेमोरी कार्ड से इंटरनल मेमोरी में किस तरह ट्रांसफ़र करोगे, यानी आज की जो हमारी टॉपिक है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अगर आपकी इंटरनल मेमोरी कम हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जो है इंटरनल मेमोरी है, और आप किसी एप्लीकेशन उसके यानी आपकी मेमोरी कम हो जाती है मोबाइल में, आप किसी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हो मेमोरी कार्ड से फ़ोन मेमोरी में या फ़ोन मेमोरी से मेमोरी कार्ड में, तो किस तरह करोगे। अच्छा, इसके लिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन या मैनेज एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। चंद मोबाइलों में जो है एप्लीकेशन होती है, यहाँ से मैनेज एप्लीकेशन में जाएं। देखिए, ये जो सारे आपके मोबाइल के एप्लीकेशन है, चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन हो या आम एप्लीकेशन हो, तो आप किस तरह देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी इंटरनल मेमोरी में सेव है या मेमोरी कार्ड में सेव। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है ये वन मोबाइल मार्केट में, इसको इस पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है टोटल, इसने कितनी जगह गिरी हुई है, डेटा इसमें कितना है, तो टोटल एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो तकरीबन 29.16 MB है, जबकि डेटा इसमें 864 KB है, और टोटल जो है 30 MB की लगे। आप यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। देखिए, अभी ये भी अपने जहन में रखिए कि आप इसको फोर स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी जो डेटा है, डेटा क्लियर कैच से भी, इसकी जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है उसको भी आप क्लियर कर सकते हो, और परमानेंटली डेटा भी क्लियर डेटा से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है मूव टू एसडी कार्ड, यही ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप इसको यहाँ से यानी एसडी कार्ड में मूव कर सकते हो। देखिए, ये जो ऑप्शन ऑन हो गया है, तो आप देख सकते हो कि हमें ये पता यहाँ से चलता है कि ये इंटरनल मेमोरी में सेव था, अभी मैं मूव टू एसडी कार्ड आ गया है, तो मैं इसको एसडी कार्ड में मूव कर सकता हूँ। देखिए, अगर मूव टू एसडी कार्ड ऑप्शन आ गया है, तो इसका ज़ाहिर है यही मतलब है कि ये पहले इंटरनल मेमोरी में है, और इसको मूव करने के लिए आप मूव कर सकते हैं एसडी कार्ड में। अच्छा, इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होती हैं जिसको आप मूव नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी जो एप्लीकेशन है वन मोबाइल मार्केट, वो जो है मेमोरी कार्ड में मूव हो गया है, अब वो मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है,
तो यहाँ से फिर अभी दूसरा देखते हैं, ये आर टूल, इसको चेक करते हैं। देखिए इस पे जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं है, मोटे आप जो है इस कार्ड में मूव नहीं कर सकते। देखिए अभी हम एक और ट्राई करते हैं कि एस डी कार्ड से किसी चीज़ को फ़ोन में वापस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए कंप्यूटर लॉन्चर है, देखिए इसको आपको जो है इसकी जो साइज़ है वो भी बता दी है। फोर स्टॉप भी यहाँ से कर सकते हो। मेमोरी कार्ड में आप यहाँ से देखिए, मैंने इसको पहले ही मेमोरी कार्ड में मूव कर दिया है, अभी मैं इसको वापस मोबाइल फ़ोन में मूव कर देता हूँ इंटरनल मेमोरी में। तो आप इस पर मूव पे क्लिक करें, मूव टू फोन। देखिए अभी हमारी जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर लॉन्चर वो वापस जो है कंप्यूटर मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। देखिए अभी ये थी हमारी आज की टिप। अब जो मोबाइल की दूसरी जो टिप है, अब के मोबाइल की आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट मतलब जो कंपनी की तरफ से होती है उसमें है या नहीं, तो इसके लिए आपको जो है यानी इसी में जो नीचे मेन्यू लिखा है इसको चेक करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से रीसेट एप्लीकेशन मतलब डिफ़ॉल्ट में या डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आप यहाँ से चेक करोगे कि जो लॉन्चर है वो भी डिफ़ॉल्ट, कॉल मैसेजेस कैमरा गैलरी म्यूज़िक ईमेल सब कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट में है, ठीक। अगर डिफ़ॉल्ट को आप चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र जो है कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट में ही होगी, तो आप क्रोम में चेंज कर सकते हो, ट्यूबमेट में। तो जो भी सेटिंग हो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे ईमेल जो है ईमेल या जीमेल जो भी आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो, देखिए अब ये डिफ़ॉल्ट में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। या देखिए कॉल जो है हवाई कॉन्टेक्ट, लॉन्चर जो है आप कंप्यूटर लॉन्चर और हवाई होम जो है डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से जो आया है आप यहां से चेक कर सकते हो। अच्छा और आज की हमारी वीडियो सिर्फ इन दो टिप्स के बारे में थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।